વાપીની હરિયા એલજી રોટરી હોસ્પિટલમાં ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમવાર દર્દીની સજાગ કાર્ડિયાક સર્જરી કરી નવજીવન બક્ષવામાં આવ્યું હતું. 47 વર્ષના દર્દી વિનોદ શર્માને હૃદયમાં લોહી પૂરું પાડતી ધમણીઓમાં બ્લોક હતા. આ જટિલ બીમારીનો ડોક્ટર કલ્પેશ એસ મલિક દ્વારા જનરલ એનેસ્થેશિયા આપ્યા વગર સફળ કોરોનરી બાયપાસ સર્જરી કરી નવજીવન આપવામાં આવ્યું હતું. पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट को बेहोश किया जाता है और फिर ऑपरेशन खत्म होने के बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है. कई लोग उसे 2 घंटा रखते हैं, कई लोग 4 घंटा, कई लोग 24 घंटा. ये जो टेक्निक है जो हमने इस पेशेंट में यूज़ की, इसमें हमने बिना बेहोश करे पेशेंट का पूरा ऑपरेशन किया. पेशेंट की स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था हमने, इंकोजोरिन की हड्डी में इंजेक्शन, और मतलब पेशेंट को पूरे ऑपरेशन में पूरा होश था. पेशेंट हमसे बात भी कर रहा था. इससे कई सारे फायदे होते हैं कि जैसे जनरल एनेस्थीसिया और जो वेंटिलेटर पर रखने के जितने भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो वो सारे मतलब डील हो जाते हैं ये वाले टेक्निक. और लाइक और ये वाली टेक्निक से जो ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है, मतलब जैसे ऑपरेशन करा जाता है चाटी की हड्डी काटी जाती है, जो पेन होता है वो पेन बिल्कुल जीरो हो जाता है ये वाली टेक्निक. सर आज ये जो ऑपरेशन हुआ ये गुजरात में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो किस टेक्निक से हुआ है और हरिया हॉस्पिटल में ऐसे क्या क्या फैसिलिटीज? देखिए पहले तो मैं बता दूं कि अभी हम लोगों का जो हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है. हर एक तरह की हार्ट से रिलेटेड, भले ही वो 10 दिन का छोटा बच्चा हो या 90 साल का बूढ़ा हो, हमने सब तरह की सर्जरी यहाँ की है. कोई भी पेशेंट को रिफ्यूज़ करने की यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये जो हमने सर्जरी किया है ये भी यूनिक है, जो कि इस एरिया में कभी हुआ नहीं था. कोई भी मेजर ऑपरेशन होता है, इवन आपने सुना होगा अपेंडिक्स होगा या कोई भी गॉल ब्लैडर सर्जरी होगा, तो जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है. और ओपन हार्ट सर्जरी तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि जागते हुए पेशेंट में ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, आप लोगों ने शायद किसी ने नहीं सुना. इसीलिए ये यूनिक सर्जरी है. ये पेशेंट पूरे होशो हवाश में हमने इसका सर्जरी किया, ओपन हार्ट सर्जरी, और वो भी सक्सेसफुल सर्जरी. आप देख रहे हैं पेशेंट अभी 5 दिन ही हुए हैं, चलता फिरता पेशेंट है, अभी 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगा इसका. सर कितना घंटा वो ऑपरेशन चला और कैसी परिस्थिति थी उस टाइम पेशेंट? पेशेंट जो है, पहली चीज़ तो इसमें बेहोश नहीं हो रहता है, तो पेशेंट को खाली जो उसका स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसमें इंजेक्शन देकर नीचे का पार्ट उसको सुन्न किया जाता है. पेशेंट को बातें भी कर सकता है, सब समझ सकता है, और उसका पहले से जो एप्रिहेंशन रहता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा तो क्या होने वाला है, उसके बाद होश में आऊंगा भी कि नहीं आऊंगा, और कई बार होता भी है आदमी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. वेंटिलेटर लगा रहता है तो आदमी को कोई तकलीफ हो रही तो बोल नहीं सकता, वो वेंटिलेटर कई बार लंबे समय तक रहने से लंग्स के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है. वेंटिलेटर निकालने के बाद गले में कई बार स्वेलिंग रह जाती है, बोलने में तकलीफ हो सकती है. तो ये सब को सब बाईपास जो है, एक तो हार्ट का बाईपास किया, ये सब तकलीफों का भी हमने बाईपास कर दिया. बिना इन सब को किए हुए हम लोगों ने अवेक सर्जरी, इसको बोला जाता है अवेक CABG, अवेक कार्डियक सर्जरी हमने किया है, जो कि 100% सक्सेसफुल हुआ है. पेशेंट भी खुश, और इसमें पेशेंट का भी खर्चा अगर प्राइवेट में कराए, ये तो हमारा आयुष्मान का पेशेंट था जिसको कि हमने बहुत ही नॉमिनल पैसों में किया है, प्राइवेट में भी खर्चा बचता है, हॉस्पिटल में स्टे भी कम हो जाता है और हॉस्पिटल का भी उसमें खर्चा कम होता है. तो इस तरह से ये हर एक के लिए, हॉस्पिटल के लिए, पेशेंट के लिए, सबके लिए फायदा का है, और इसमें सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, जो कि हमने 100% सक्सेस